गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर एल्कोहल फिनॉल ईथर्स में फिनॉल में कुछ बची हुई केमिकल प्रॉपर्टीज की डिस्कशन करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज कराई थी, कुछ रह गई थी। नाउ वी विल डिस्कस ऑन द रेस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज। इलेवेंथ, रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl इज कॉल्ड एसिटाइल क्लोराइड। अब आप देखना, मैं रिएक्शन में फिनॉल नहीं लिया, क्या ले लिया मैं? सैलिसिलिक एसिड, दैट इज सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड हमने यहां पर सैलिसिलिक एसिड लिया, क्योंकि फिनॉल से जो सैलिसिलिक एसिड है वो रीमर हीमेन या कोलवे प्रोसेस से बना लेते हैं। उस सैलिसिलिक एसिड का जब हम एसिटाइलेशन कराते हैं, एसिटाइलेशन कराएंगे तो इधर से H निकल जाएगा और CH निकल जाएगा। O COCH3 है, O COCH3, और यहाँ पे क्या रहेगा? C double H। That is 2-acetoxybenzoic acid. It is called aspirin. Aspirin is painkiller, analgesic. तो same properties acetic anhydride भी show कर रहा है। That is acetic anhydride. जो properties acetyl chloride show करता है, जो प्रॉपर्टीज एसिटिक एसिड शो करता है, जो वही प्रॉपर्टीज एसिटिक एनहाइड्राइड भी कहलाता है। क्यों? इन तीनों का पेरेंट कंपाउंड एसिटिक एसिड है, इसलिए सेम क्या बनेगा? 2-acetoxybenzoic acid, यानी एसिटिक। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड एजेंट। हमने फिनॉल लिया, फिनॉल के साथ ग्रिग्नार्ड एजेंट राइट, तो एच के साथ आर जाएगा, मींस एल्केन बनता है। पूरी फिनॉल में सिर्फ यही एक केमिकल प्रॉपर्टीज है जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड से एलिफेटिक कंपाउंड बनता है, मींस ओपन सॉरी क्लोज्ड चेन कंपाउंड से ओपन चेन कंपाउंड बनता है, दैट इज एल्केन। फिनॉल से इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया तो क्या बन गया यहां पर? इथेन, और निकल गया MgBrOCCH5। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिडक्शन। फिनॉल का रिडक्शन कराया 3H2 के निगेटिव प्रेजेंस में, तो हर जगह क्या आ गया? इधर भी H2HCH नदी HS, हर जगह HS आ जाएगा। मींस इसका नाम क्या हो जाएगा? H मींस साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट है फिगर ग्राफ, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। अगर एल्काइलेशन कराए तो एल्काइल हाइड्रेट है, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की वजह से भी रिएक्शन होगी। अगर एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी, इसकी वजह से ही फिगर ग्राफ एल्काइलेशन कराता है, मींस नेम रिएक्शन है। इसी तरीके से एसिटाइलेशन की प्रोसेस होती है, AlCl4 बनता है, CH3CO बनता है, CH3CO अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बेंजीनिंग पर और ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव। क्यों बनेगा ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव? इसकी डिस्कशन में पहले ही कर चुका हूं, क्योंकि अगर बेंजीन पर कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे, इट मींस आने वाला न्यूक्लियोफाइल ऑर्थो पैरा पर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इंक्रीज हो जाती है। मैंने पिछले लेक्चर में रेजोनेंस स्ट्रक्चर से इसकी डिस्कशन की थी। नाउ नाइट्रेशन अगर डाइल्यूट लेंगे तो ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव बनेगा, अगर कंसंट्रेटेड लेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कंसंट्रेटेड लेंगे तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, दैट इज 2,4 TNP और पिक्रिक एसिड, इट इज एन एक्सप्लोसिव, एक एक्सप्लोसिव है। ज्यादातर नाइट्रो कंपाउंड क्या कहलाती है? एक्सप्लोसिव कहलाता है, जैसे TNG ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन RDX कहलाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से सल्फोनेशन की प्रोसेस कराएं, सल्फोनेशन कराते हैं फिनॉल का, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड
राइडोक्सीबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ओके। नाउ दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आयोडो फॉर्मेशन। इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं, आयोडो फॉर्मेशन। आयोडो फॉर्मेशन, आयोडो फॉर्म टेस्ट केवल वही ऑर्गेनिक कंपाउंड या वही एल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन शो करते हैं, जिसमें हम यहाँ एल्कोहल की बात करते हैं, एल्कोहल देखते हैं जिनमें CH3CH ग्रुप हो या CH3CO ग्रुप हो, ठीक है। तो अगर हम देखें इस कंपाउंड को CH3CH2OH इथाइल एल्कोहल की हम आयोडीन 4 आयोडीन प्लस 6 NaOH के साथ रिएक्शन कराएं, एक्वस NaOH के साथ आयोडीन की वजह से इथाइल एल्कोहल रिएक्शन कराएं 333-343 केल्विन के बीच में, तो क्या बनता है CH3 प्लस 5 NaI प्लस XCOOH प्लस व्हाट इट मींस, इट मींस क्या हुआ, CH3 बना आयोडो फॉर्म, ओके। CH3 बनता है फॉर्म, इसी तरीके से मिथाइल एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएं तो रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कार्बन इसमें एक कम है, कम से कम दो कार्बन होने यहाँ जरूरी है, दो कार्बन के साथ एक कंडीशन ये होगी जो ऊपर लिखी हुई है। अगर CH3CH2CH2CH CH3COOH इट इज सेकेंडरी एल्कोहल, आइसो 1 2 3 4 5 आइसो पेंटाइल एल्कोहल, इस पांच कार्बन वाला एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है, लेकिन कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है CH OH CH3। अगर ये कंडीशन है I2NaOH के साथ में तो आयोडो फॉर्म येलो क्रिस्टल्स बनते हैं, और बाकी CH3CH2CH2COOH में निकल जाता है NaI प्लस H। लेकिन अगर सिमेट्रिकल सेकेंडरी एल्कोहल है, सिमेट्रिकल मींस दोनों तरफ चेन बराबर है, तब ये प्रोसेस नहीं होगी क्योंकि कंडीशन ये फुलफिल नहीं करता, ओके। तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम मिथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल टेस्ट में डिफरेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से मिथाइल एल्कोहल इथाइल एल्कोहल सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये एल्कोहल और फिनॉल का टॉपिक फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ईथर के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।